प्रभास और बॉलीवुड डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद कुछ समय से एक साथ फिल्म बनाने के लिए बातचीत कर रहे थे और अब ऐसे अपडेट निकल कर आ रहे हैं कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी जुड़ गए हैं। आइए इस खबर को इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, दरअसल प्रभास और ऋतिक रोशन को लेकर विवाद तब हुआ था जब एसएस राजामौली ने प्रभास की तारीफ करते हुए ये कहा था कि ऋतिक रोशन प्रभास के आगे कुछ नहीं है। और मजे की बात पता है क्या है, राजामौली सर साउथ की फिल्मों को बॉलीवुड फिल्मों से अच्छा बताने के लिए प्रभास की बिल्ला फिल्म का एग्जाम्पल दे रहे थे, जबकि बिल्ला खुद 1978 में आई फिल्म डॉन का रीमेक थी, जो कि एक बॉलीवुड फिल्म है जिसमें बिग बी लीड रोल में दिखे थे। वैसे तो राजामौली को इस बयान का अफसोस हुआ था और उन्होंने माफी भी मांगी थी जब ऋतिक के फैन ने उनको काफी ट्रॉल किया था उसके बाद। लेकिन अब ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की अगली फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रभास एक साथ नजर आएंगे। शाहरुख खान की पठान मूवी को जो सक्सेस मिली है उसी की वजह से प्रोडक्शन कंपनी को सिद्धार्थ की एक बड़े बजट की फिल्म को संभालने पर विश्वास दिलाया है। अब कहा ये जा रहा है कि प्रभास और ऋतिक रोशन की ये फिल्म इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म हो सकती है। 2018 में आई 2.0 अब तक इंडिया की सबसे महंगी फिल्म है, जिसका बजट 543 करोड़ था। और दोस्तों, जब प्रभास और ऋतिक एक साथ हो तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिस्ट्री बना सकती है, पर तब जब सिद्धार्थ आनंद इसे अच्छे से पेश करने में कामयाब हो सके। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाडर में ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को पूरा करने के बाद इस नए प्रोजेक्ट पर सिद्धार्थ आनंद काम करेंगे। हालांकि ऋतिक के फैंस इस खबर के बाहर आते ही प्रभास को ट्रॉल करने लगे हैं, पर कहा जा रहा है कि इस धांसु फिल्म की शूटिंग और अनाउंसमेंट 2024 में होगा। वैसे आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर करना।